आप एक स्मार्टफोन ही यूज करते होंगे, बहुत ज्यादा चांस है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्मार्टफोन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपका स्मार्टफोन की बैटरी कितनी चल पाती है। आप वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके बाद बैटरी एक दिन मुश्किल से निकाल पाती है। पहले बटन वाले फोन हुआ करते तो बैटरी दो तीन दिन चल जाती थी। अब कंपनीज भी चाह रही है कि बड़ी बैटरी हो, बड़ी बैटरी बनाते बनाते 5000 mAh तक उनको नॉर्मली मिल जाते हैं। 5000 mAh की बैटरी भी एक ही दिन निकाल पाती है क्योंकि हम वीडियोज देखते हैं तो जितनी डिस्प्ले ऑन रहती है हमारी बैटरी 6 से 7 घंटे का और डिस्प्ले ऑन टाइम दे पाती है। अब उसी का सोल्यूशन निकालते हुए कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जो बनाती है ड्यूरेबल बैटरी बनाती है, एनर्जाइजर। उन्होंने क्या किया है कि सोचा कि एक इन्वेंशन करते हैं कि हम स्मार्टफोन बनाते हैं। तो उन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया। स्मार्टफोन में आप देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, पॉपअप कैमरा, फुल व्यू डिस्प्ले, बहुत अच्छा स्मार्टफोन आपको लगेगा। लेकिन आप कहेंगे अरे यार ये क्या है, इतना मोटा कैसे है ये फोन। तो कंपनी ने उसमें बैटरी लगाई है 18000 mAh की। इस फोन का नाम है एनर्जाइजर P18k पॉप। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि 18k यानी कि 18000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। लेकिन जितनी बड़ी बैटरी होगी तो समझो आपके पॉकेट पे उतनी भारी होने वाली है क्योंकि वेट उतना ज्यादा होने वाला है, थिकनेस उतनी ज्यादा होने वाली है। अगर इस मोटाई की बात करें तो ये लगभग 18 mm मोटा फोन आपको मिलने वाला है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं आईफोन 10 से तो आईफोन 10 7.5 mm का है और ये 18 mm का, लगभग 2.5 गुना मोटा ये आपको आईफोन 10 से फोन लगने वाला है हाथ में। जब आपको अगर इसके फीचर की बात कर लेते हैं कि इसके मेन फीचर आपको क्या क्या इस फोन में मिलता है, तो इसमें अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो आपको बेजल लेस फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, रियर में आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 3 कैमरे मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल के 3 कैमराज हैं इसमें जो आपको इसमें मिलने वाले हैं, और USB टाइप सी मिलता है। उसके अलावा आपको OTG सपोर्ट मिलता है और इससे आप किसी दूसरे फोन को भी चार्ज कर पाएंगे। फोन को चार्ज करने में लगभग आपको 8 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाइए कि अब आपको इस ये फोन कितने दिन बाद चार्ज करना है। इंडिया में जब लॉन्च होगा तो इसका रिस्पांस कैसा रहेगा वो तभी पता चलेगा। और आप इस फोन को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसके प्रोसेसर और रैम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप